पास अभी नहीं थी, लेकिन जो मेरी करंट रीड जा रही है वो है द विच ऑफ पोर्टो बेलो, ये पाउलो कोएल्हो की किताब है, फिक्शन है। तो उसमें एक, वैसे ही मेरी कोई फेवरेट बुक नहीं है, मुझे खासी पसंद भी नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन एक इसमें एक ऐसा पैराग्राफ था कहने के कुछ, इसकी सोल ऑफ द बुक जो थी वो मेरे एक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत मैच कर रही थी, तो वो मैं आज पहला पहले आपसे आपके साथ पढ़ूंगी, जो कि राइटर्स के वर्ड, राइटर के जो वर्ड्स हैं पहले वो आप सुन लिया, उसके बाद जो मेरा इसके तबसरा है वो मैं आपके सामने पेश करूंगी। तो उसका जो मैं एक कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बता देती हूँ कि टॉपिक क्या है, द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड जॉय, यानी खुशी या मुसरत में क्या फर्क होता है, क्योंकि हम इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि खुशी या मुसरत शायद एक ही चीज है, लेकिन अभी आप राइटर के वर्ड्स में वर्ड सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोनों किस तरह से डिफरेंट है। ये हीरोइन जो है वो बात कर रही है, Why am I not looking for happiness when everyone has taught me that happiness is the only goal worth pursuing? Why am I going to risk taking a path that no one else is taking? After all, what is happiness? क्या ये खुशी? Love, चाहे मोहब्बत? They tell me. But love does not bring and never has brought happiness. It's true. On the contrary, it's a constant state of anxiety, a battlefield. It's a sleepless night, asking ourselves all the time if we are doing the right thing. Real love is composed of ecstasy and agony. So, उसके मुताबिक जो है कि मोहब्बत जो है वो जो है वो खुशी या कोई मुसरत कोई चीज नहीं है। फिर वो पूछता है और इज इन पीस या अमन वो चीज है। तो वो कहता है कि इफ यू लुक एट द मदर, शी इज नेवर एट पीस, द विंटर डज बैटल विद द समर, द सन एंड द मून नेवर मीट, द टाइगर चेजेस द मैन हु इज अफ्रेड ऑफ द डॉग, हु चेजेस द कैट, हु चेजेस द माउस, हु फ्राइटन द मैन, यानी किसी को कोई सुकून नहीं है। मनी, मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, फाइन, इन दैट केस एवरीवन हु अर्न्स एनफ टू हैव अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग will be able to stop working, but then they are most troubled, as if they were feeling unhappiness. But money, now what I want is joy. Joy is like sex; it begins and ends. I want pleasure. I want to be contented, but happiness, I no longer fall into that trap. When I'm with a group of people and I won't say, "So you are not happy." And they change the subject. We are surrounded by universal desire. It's not happiness. Happiness की जो है वो define कर रहा है कि we are surrounded by universal desire. It's not happiness. It's desire. And desires are never satisfying. Because once they जो opinion है वो आपके साथ share करते हैं, खुशी या मुसरत, क्योंकि अगर हम joy को देखें हमें लगता है कि happiness joy they are interchangeable words. तो इसमें ऐसा क्या फर्क है? मैं अपनी थोड़ी सी कुछ स्टोरी आपको बताती हूँ कि मैंने बचपन में ये सुना था, ये तो फिर हमसे कुछ एडवांस लोग हैं जो ये सीख रहे हैं कि आपको खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि मैंने अपने बचपन में जबकि ये सुना था कि कामयाब होना बहुत जरूरी है, कामयाबी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्राइमरी फैक्टर है आपकी जिंदगी में अगर आप खुद को बाबअक्सर समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे कामयाबी हासिल करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए मेहनत करना शुरू की या घटे खाना शुरू किए, वक्त बदला और वो खास सर्टन कामयाबी या कुछ अचीवमेंट्स मिली, तो तब महसूस हुआ कि खुश रहना उससे ज्यादा अहम है, खुश रहना बहुत जरूरी है कामयाबी से ज्यादा। और मैंने कई दफा अपनी तहरीरों में भी ये पैगाम दिया, अपने स्टूडेंट्स को भी ये सबक दिया कि आपके लिए खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी गोल है। लेकिन उसके बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, ना तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, ना तो मेरे सुनने वाले मेरे पढ़ने वाले खुश रहते हैं, इसकी क्या वजह है? और अगर हम खुश रहते भी हैं तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम हमेशा खुश रहते हैं। और ये भी मुमकिन है कि बाहर की दुनिया के सामने हम खुद को खुश जाहिर कर रहे हैं और सारी रात हमारा तकिया हमारे दुख और दर्द में भीगता रहता है, तो ये खुश रहना तो ना हुआ। खुशी एक वक्ती, जो मेरी ओपिनियन है इसको पढ़ने के बाद कि खुशी एक वक्ती और मुख्तार जज्बा है, यानी डिपेंडेंट इमोशन है। ये खुश रहने के लिए हमें किसी न किसी वजह के मुख्ताज होते हैं, जैसा कि फलाह शख्स का मैसेज आता है तो हम खुश होते हैं, अगर नहीं आता तो हम पर सौगतारी हो जाता है, फला चीज में कामयाबी मिलेगी तो हम खुश हैं, और अगर नहीं मिलेगी तो हम आरजुदन हैं, पैसा है तो खुश हैं, जेब खाली है तो हम उदास हैं,
ये शर्त या खुशी तो दर हकीकत गुलामी है, बेसिकली इमोशनल स्लेवरी। ये खुशी नहीं है बल्कि ये एक आदत है, एक मोहताजी, ख्वाहिश, एक शर्त का अजीब सा चुंगल है जो हमें कभी हकीकी मानों में खुश नहीं रहने देता। कहते हैं कि ट्रैप है ये, कि हमें लगता है कि अच्छा अब इस चीज पे खुश है, अच्छा नेक्स्ट उस चीज पे खुश है, हम उस ट्रैप में घुसते जाते हैं। वो स्ट्रगल है लेकिन हम खुशी महसूस नहीं करते, जबकि इसके बरस जो दूसरा एक जज्बा है या एक एटीट्यूड है वो है मुसर्रत। वो सच्ची और हकीकी खुशी है जो किसी के मुहताज नहीं है, एक इंडिपेंडेंट चीज है। उसके लिए जरूरी नहीं कि किसी का मैसेज आए, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप फलां सर्टन जो कामयाबी है उसको अचीव करें, उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं कि आपके पास पैसा है या नहीं है। आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि इसका जो ताल्लुक है ना आपके अंदर से है। जो पहले खुशी मैंने बयान की है उसका ताल्लुक जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, आपके एनवायरमेंट से है, ये आपकी इनर सेल्फ से है, जो कि एक परमानेंट है और एक देर पर है। तो जो खुशी है ना, जो मैंने जिसका पहले जिक्र किया, वो एक आप ये कह लें कि इमोशन है, जबकि जो मुसर्रत है ये खास रवैया, एक खास एटीट्यूड है। इधर आप जंग में हो, किसी मुश्किल हालात में हो, आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, लेकिन आप पुरउम्मीद हो, आप मुतमिन हो, आपको पता हो कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, मेरा रवैया कैसा होना चाहिए, मैं मुझे कूल एंड काम कैसे रहना चाहिए। तो किसी कारण मुसर्रत, तो पुरमुसर्रत होने के लिए मुस्कुराना, कहके लगाना शर्त नहीं है, बल्कि तकलीफ में होते हुए उम्मीद होना शर्त है। वो भी ये मुश्किल काम है, लेकिन खुशी और मुसर्रत में पत जानकर जिए। थैंक यू।